स्कूटर ट्रक वाले बस वाले सरकार के सरकार के नए नियमों के खिलाफ सड़कों पर जनता परेशान है, व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, चक्के जगह चक्का जाम हो रहा है, जाम लग रहा है। मेरा मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इसमें सकारात्मकता से इस पूरे मसले को संज्ञान में लेकर समाधान की ओर सरकार सोचे, केंद्र सरकार से बात करें और जरूर नियम बनने चाहिए, जरूर व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए, एक्सीडेंट कम होने चाहिए, जरूर परिस्थितियां जो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर पब्लिक में आम जनता में करप्शन सब देखने को मिलती है उससे निजात होनी चाहिए, पर जनता भी परेशान नहीं होना चाहिए। अब आप देखो कि एक बस से 13-13 लोग जल के स्वाह हो गए, मुख्यमंत्री जी गए सांत्वना भी दी, अधिकारी को हटाए मोबाइल खेलो, पर एक भी ऐसी चेक पोस्ट जो बाहर बॉर्डर की है, क्या करप्शन समाप्त हुआ है? बस और ट्रक वाले 20 आदमी ऐसे ट्रक मालिक लाके बता दे, सिर्फ 20, जो ये कह दे कि हाँ किसी प्रकार का करप्शन नहीं है, बॉर्डर पे हमें पैसा नहीं देना पड़ता। जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हटाए गए, पीएस हटाए गए, ये व्यवस्था की लड़ाई तो थी थी, अच्छी बात है, निर्णय लिया, इसको पॉजिटिविटी से लेना चाहिए, मुख्यमंत्री को धन्यवाद, पर कोई अभियान चला नहीं चला, इसलिए कि करप्शन जड़ों में घुस गया है। करप्शन ऐसा कोई मध्य प्रदेश का नागरिक जो बिना रिश्वत से काम करा ले, मिले तो मुझे भी बताएं, ऐसी कोई पारदर्शी व्यवस्था जो किसी भी विभाग में बिना करप्शन से होती हो, तो मध्य प्रदेश के वो नागरिक सड़क पे आके बोले, मैं फिर से एक्शन लेना चाहिए, एक्शन हुआ इसका स्वागत, पर करप्शन से इसका रिश्ता नहीं है इस एक्शन का। ये शिवराज जी से जो लगातार उनके खिलाफ उनके अधिकारियों की कार्रवाई हो रही है, उससे उस ट्रांसफर का रिश्ता है, उस व्यवस्था का रिश्ता है जो दिखता है। मैं फिर से मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ, आप सही में करप्शन के खिलाफ हैं तो पूरी जितनी बसें मध्य प्रदेश में जितने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के करप्शन चेक पोस्ट पे होते हैं वो बंद करवाएं, और कितनी बिना फिटनेस से गाड़ियां चलती हैं उनकी चेकिंग कराएं। पहले भी ऐसी कई घटनाएं घटी थी पिछले सरकार में, शिवराज जी की सरकार में, सीपी में, सतना में, क्या उनके खिलाफ क्या हुआ आज तक पता ही नहीं चला पब्लिक को, तो एक बार कार्रवाई करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लगातार सुधार करना सारी समस्याओं का समाधान है। फिर से जो केंद्र सरकार के नियमों के कारण अव्यवस्थाएं बन रही है उनको सकारात्मकता से मध्य प्रदेश की सरकार ने संज्ञान में लेके पब्लिक को इम्पैक्ट नहीं हो ऐसा। मध्य प्रदेश में ड्राइवर हिट एंड रन मामले में बस और ट्रकों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं, जिससे प्रदेश में परिवहन थमा हुआ नजर आ रहा है। बसों के पहिए थमने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मामले में केंद्र सरकार से उचित समाधान की मांग की है। ड्राइवरों की हड़ताल पर जीतू पटवारी ने कहा, इस मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव को तत्काल केंद्र सरकार से बात कर इस मामले का समाधान निकालना चाहिए, कानून ऐसा बनाना चाहिए जिससे दुर्घटनाओं पर विराम लग सके और आम जनता को परेशानियों का सामना भी न करना पड़े, क्योंकि आज प्रदेश भर से चक्का जाम की खबरें आ रही हैं, जिससे आम जनता को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द उचित समाधान निकालना चाहिए। जीतू पटवारी ने गुना की घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, क्या प्रदेश में केवल एक ही बस जली है? क्या प्रदेश की बाकी वाहन फिटनेस में है? यदि हो तो मुझे भी बताएं, क्योंकि परिवहन विभाग में सभी जगह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के कारण ही इस तरह की घटनाएं लगातार प्रदेश में हो रही हैं। शिवराज सरकार में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं।
ऐसे में इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को मुहिम चलाने की जरूरत है। बता दें कि मध्य प्रदेश में बसों और ट्रकों के पहिए थमने से सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को करनी पड़ रही है। इसके अलावा ट्रकों के पहिए थमने से भी जरूरत की चीजों में कमी आने की संभावना है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ड्राइवरों की हड़ताल की बात सामने आई है, जिससे हाईवे पर भी लंबे जाम की स्थिति बनी हुई है। दरअसल ड्राइवर हिट एंड रन मामले में आए नए कानून का विरोध कर रहे हैं। इस कानून के तहत 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे में ड्राइवरों ने इस नए कानून का विरोध करना शुरू कर दिया है।